हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम 30 MCQ लगभग देखेंगे स्टूडेंट्स, बट किस तरह से देखेंगे, देखिए मिक्स होंगे। अब मिक्स होंगे तो अब जब हमारे सामने जो भी राइटर आएगा तो वो आपके इधर किस टॉपिक में फिट होता है, वो ड्रामा में आ रहा है, ब्रिटिश प्रोज में आ रहा है, ऐसे मैंने मिक्स लिए हैं। और मैं आपको बताती भी चलूँगी कि हाँ वो ब्रिटिश पोइट्री में 18th century वाले में आ रहे हैं कि 20th century में आ रहे हैं या फिर यहाँ आ रहे हैं ये सारे, बिकॉज इनको मैंने टॉपिक वाइज बना दिया है। इंडियन फिक्शन स्टोरीज़, ब्रिटिश प्रोज और ड्रामा में हम क्या पढ़ें, सिलेबस भी आपने सभी ने देखा ही है जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया है कि क्या पढ़ना है। बिकॉज़ यहाँ सिर्फ हमको टॉपिक दिया गया है, राइटर एंड उनके वर्ड्स वर्क्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर हमको अपने MCQs क्वेश्चंस देखना है ना कि हम क्या पढ़ें। तो आज जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको साथ में ये भी बताते चलेंगे कि हाँ ये इस सेक्शन में आपके आ रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे 30 MCQ फॉर UKLT एग्जाम एंड वेरी मिक्स क्वेश्चन। और सारे न्यू रहेंगे, जो पिछले हम पढ़ते रहे हैं वैसे नहीं, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड वे में आते हैं हर एग्जामिनेशन में, जी हाँ, जो आज आप देखेंगे आते ही हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि अगर चलो आ चुके पहले एग्जाम में तो नहीं आएंगे, आते हैं और रिपीटेडली आते रहते हैं, और बहुत सरफेस के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हार्डी, थॉमस हार्डी हैं ये। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग, आंसर इज पोएट्री। थॉमस हार्डी स्टूडेंट्स, आपके जो सिलेबस में ब्रिटिश फिक्शन है उस पार्ट में ये आपके कंसिडर किए जाएंगे। बिकॉज हार्डी का जो लाइफ स्पैन है 1840 से लेकर 1928 है, और ये हमारे UK ब्रिटिश राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, तो फिक्शन में आ जाएंगे हमारे ये, ठीक है ना, थॉमस हार्डी। तो अब आपको, अगर आपको हार्डी के अलग से क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें पढ़ें, समझें, और वो लेसन भी आप देख सकते हैं, मेरा या किसी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एंड द मैन बाय GB Shaw इज़ डिवाइडेड इंटू 3 acts। आर्म्स एंड द मैन इनका जो वर्क है, आर्म्स GB Shaw जी का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, ये सॉरी 3 acts में डिवाइस है, ये डिवाइड किया गया है, एक्ट पूछे हैं 3 acts। एंड GB Shaw अगेन ब्रिटिश फिक्शन में आ जाएंगे, नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, ब्रिटिश फिक्शन में, जो UK के हैं। ओके, पहली बात, जो UK में हैं और ब्रिटिश इंग्लैंड UK के हैं, और स्टोरी राइटर या ये सब हैं नॉवल लिखने वाले, वो सब आपके ब्रिटिश फिक्शन में आ जाएंगे। और ये जो ऐसे हैं GB Shaw, इनका फुल नेम पता होना चाहिए, PB Shelley, GB Shaw, ऐसे इनके फुल नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं साथ में चल ही रहे हम लोग देखते हुए। हु कॉल वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को ये किसने कहा, वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे स्टूडेंट, इनका जो लाइफ स्पैन है वर्ड्सवर्थ का 1770 से लेकर 1850 तक, ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे आपके 18th to 19th century में, जैसे आपके ब्रिटिश पोइट्री है ना, पोइट्री में 18th, 19th, 20th century, तो ये उन्हीं में ही आ जाएंगे, ठीक है आपके। और आंसर इसका हो जाएगा, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, आंसर इज जॉन कीट्स, डी जॉन कीट्स ने इनको ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रॉट द प्रल्यूड इन 14 books, आंसर इज बी, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रल्यूड स्टूडेंट 1850 में इनकी डेथ हुई थी, और 1850 में ही ये पब्लिश हुआ था, पर इनकी डेथ के बाद पॉस्थम्यूसली। प्रल्यूड का क्वेश्चन यही बनता है, इनमें से कौन सा वर्क, वर्ड्सवर्थ के मोस्ट फेमस 2-3 work लिख देंगे कि इसमें से कौन सा पॉस्थम्यूसली पब्लिश हुआ, पॉस्थम्यूसली यानी डेथ के बाद, प्रल्यूड। ओके, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है ये उनका वर्क है, द प्रल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ। तो 14 books का क्वेश्चन पूछा गया है कि इतने किताब हैं, इसमें सेक्शन है, लेकिन ये इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इसका एक और टाइटल है, या ओरिजिनल टाइटल है, या मेन टाइटल, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड, ऐसे इसका टाइटल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत, वर्ड्सवर्थ का, अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ है, 1798 में, और जब ये पब्लिश हुआ था तभी से ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का, दोनों के ही इसमें रचना है, दोनों ही इसके राइटर पोइट कंसिडर किए जाते हैं, इसमें दोनों का वर्क है। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, किसने अपने आप को ऐसा माना कहा है, ठीक है, इनमें से किसने, आंसर इज टी एस एलियट। टी एस एलियट
हो जाते हैं हमारे, US में इनका जन्म हुआ है और UK में इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आप इनको अमेरिकन पोइट्री भी है जैसे आपके सिलेबस में, आप इन्हें वहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। UK की पोइट्री है वहाँ कंसिडर आप इन्हें कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो TS Eliot का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे ही आपके सिलेबस से ही हैं, बिल्कुल एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रॉट द पोएम एंटाइटल डॉवर बीच, डॉवर बीच किसका वर्क है इनमें से? सो द आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड इज द करेक्ट आंसर। और ये डॉवर बीच है, ये एक पोएम है, लिरिक है। मैथ्यू अर्नोल्ड भी अगेन आपके 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश पोइट्री है उसमें कंसिडर किए जाएंगे, बिकॉज इनका जो लाइफ स्पैन है 1822 से लेकर 1888 है, उसके हिसाब से ही हमारे जो आपके सिलेबस में क्या है, ब्रिटिश पोइट्री 18, 19, 20 सेंचुरी, तो ये आ जाएंगे आपके 19th वाले सेंचुरी में। तो ये मिक्स आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है सारे ही आपके सिलेबस में, बस वो लिखा नहीं उन्होंने, वहाँ टॉपिक ऐसे दे दिए। एडोनाइस बाय शेले इज़ एन एलर्जी ऑन, एडोनाइस एलर्जी है सबसे पहले तो इसका देखिए टर्म, इसका जेनर क्या है, एलर्जी है। एलर्जी शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, ठीक है। एडोनाइस पी बी शैले ने लिखा है, पी बी शैले, पर्सी बेसी शैले ने किसकी मृत्यु पर लिखा है, जॉन केट्स। ओके, जॉन केट्स की डेथ पर लिखा है। ऐसे जॉन किट्स की जो डेथ है टाइम है वो 1795 से लेकर 1821 का है। शैले अगेन आपके आ जाते हैं ब्रिटिश पोइट्री में, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन है 1792 से 1822, तो ये सब आपके ब्रिटिश पोइट्री के राइटर हैं, पोइट्स हैं। हु कॉल्ड शैले अ ब्यूटीफुल बट एन इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, ये कोटेशन है पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड वे में आता ही रहा है एग्जामिनेशन में, ऑल इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट PGT एंड स्टेट वाले जो भी हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये किसने शैले को ऐसा किसने बोला, पी वी शैले के लिए लाइन किसने बोली, ए ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल बीटिंग एंजल बीटिंग इन द वॉइड, आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने इनको ऐसा बोला। मैथ्यू अर्नोल्ड पोइट हैं पर क्रिटिक कभी इन्होंने, इनका क्रिटिक्स में भी बहुत नाम आता है, क्रिटिसिज्म पे भी है। द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को हम देख लेते हैं परल्यूड, द लिरिकल बैलाड, ओके ऐसे, बट हाँ इनका सोनेट वर्क है ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आप यहाँ पे वर्क भी देख लें, राइटर भी देख लें, उनका टाइम एज जो भी बता रहे हैं ऐसे। ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, अब ब्रेक ये जो है वर्क है ये एक एलर्जी है, किसकी डेथ पर लिखी गई है ये पूछना है, अर्थर हेलम जी की डेथ पर लिखी गई है। और ये जो एलर्जी है लिखी किसने है, टेनिसन ने, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बहुत ही प्रिय, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे अर्थर हेलम टेनिसन जी के, तो उन्होंने ये लिखा था उनके लिए उनके डेथ पर। और ये तो है ही, और इन मेमोरियम भी है टेनिसन जी का वर्क, इन्हीं के लिए लिखा था उन्होंने एलर्जी, तो देख लेना टेनिसन है ये। अब टेनिसन का लाइफ स्पैन वही है 1809 से 1892, यूके ब्रिटिश पोइट्री में आपके ये कंसिडर हो जाएंगे 19th सेंचुरी की पोइट्री में टेनिसन। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। शेक्सपियरियन के सोनेट का क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए थ्री क्वाड्रेंट एंड अ कपलेट फॉर्मेट होता है, यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। ऐसे थ्री क्वाड्रेंट लिखा है, अ कपलेट लिखा है, क्वाड्रेंट मीन्स होता है फोर लाइन का जो स्टंजा, चार लाइन का स्टंजा वो होता है एक क्वाड्रेंट, इन चार लाइन को एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो ऐसे ऐसे तीन हो गए, ठीक है, और लास्ट में एक कपलेट हो गया, यानी कि दो लाइन का जो स्टंजा होता है, टू लाइन्स का जो स्टंजा होता है कविता जैसे लिखते हैं ना, तो दो लाइन की जो होती है दैट इज कपलेट, तो ऐसे थ्री हो गए, ठीक है, 4 3 12 एंड ये टू, टोटल 14 आ गए। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन का होता है, देख लेंगे इसका एग्जांपल। ये देखिए इनको कैसे हम कंसिडर करते हैं, ये सोनेट 116 शेक्सपियर का कोई एग्जांपल है सोनेट का, और ये शेक्सपियरियन जैसे कि ये फोर लाइन है, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, चार चार लाइन को एक क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो थ्री क्वाड्रेंट एंड एक जो टू लाइन का जो लास्ट में स्टैंजा है, तो जैसे कि गद्य में हमारा जो होता है, प्रोज में जो होता है पैराग्राफ होता है ना, पोएम में स्टैंजाज होते हैं जो ऐसे लाइन्स होती हैं, तो ये वन कपलेट है। जिनको पता है इट्स ओके, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। और ये
जो ऐसा ही राइमिंग स्कीम होती है, ए बी ऐसे, तो राइमिंग स्कीम भी कैच करते हैं हम लोग ऐसे पीछे जो लास्ट वर्ड होता है ना उससे, माइंड एंड फाइंस सेम टू सेम है, इनको ए ऐसे हम लोग लिख देंगे, दे देंगे इनको, फिर लव रिमव ऐसे सेम टू सेम है, राइम चल रहा है इन पर, तुकबंदी कहते हैं इसको, बी बी, तो ये ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे जो ए बी ये क्या लिखा है आप इस पर भी समझ लेना। और थ्री क्वाड्रन वन कपलेट होता है हमारे शेक्सपियर का फॉर्मेट, इस सोनेट का फॉर्मेट होता है, ठीक है शेक्सपियर। अब इसमें आपको याद कैसे करना है, क्वाड्रन यानी कि क्यू एंड कपलेट यानी कि सी। अब क्यू और सी तो ऐसे आप समझ सकते हो, इसको सी को ऐसा करते हैं ना हम लोग, क्यू ऐसे लिखते हैं और इसका साथ में पी लिख दो, यानी कि ये जो सी है इसको हमने अपोजिट लिख दिया, कैसे भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स फेमस एलर्जी, क्योंकि ब्रेक 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 टेनिसन की एलर्जी है जो इन्होंने अपने फ्रेंड्स की डेथ पर लिखी थी, ओके। बट अगेन पूछ रहे हैं मोस्ट फेमस एलर्जी जो इनकी है वो है इन मेमोरियम, ये भी इन्होंने अपने दोस्त आर्थर हैलम जी के लिए ही लिखी थी, इन मेमोरियम वेरी वेरी फेमस एलर्जी बाय अल्फ्रेड टेनिसन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टेनिसन ब्रिटिश पोइट्री में आ जाते हैं टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रीव सीक एंड टू फाइंड टू यील्ड अकेयर्स इन द पोयम, ये हमें किस पोयम में मिलेगा, आंसर इज यूलिसिस। ये कोटेशंस ऐसे पूछ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, तो ये जो कोटेशंस है यूलिसिस पोयम से है और ये पोयम लिखी है टेनिसन ने। द चार नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नॉल्ड एज अ क्रिटिक, अर्नॉल्ड जैसे कि क्रिटिक भी हैं तो उनको आप किस कैटेगरी में, इसमें से हम लोग कंसिडर करेंगे, रोमांटिक, मार्क्सिस्ट, एस्थेटिक या क्लासिसिस्ट, सो द आंसर इज क्लासिसिस्ट, नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी एस एलियट डिड नॉट राइट, नॉट वाले हैं डिड नॉट राइट, टी एस एलियट अमेरिकन में इनका बर्थ है, यूके में चले जाते हैं इमिग्रेट करके, तो अब यही पूछ रहे हैं, तो ये आप दोनों में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन पोइट्री में और ब्रिटिश पोइट्री दोनों में आ जाएंगे, इनमें से कौन सा इनका वर्क नहीं है, असेंट ऑफ F6 ये नहीं है, बाकी सारे इनके इंपॉर्टेंट ड्रामा है। वॉट द थंडर सेड इज़ अ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड पोएम के कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि, तो उनमें से वॉट द थंडर सेड किस कौन सा है, यही पूछा है ना, तो ये है, इसके और भी सेक्शंस आप देख लीजिएगा, तो व्हाट अ थंडर सेड किस पोयम का सेक्शन है, द वेस्टलैंड का, टी एस एलियट ने लिखी है ये वेस्टलैंड पोयम, बहुत फेमस है और इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोयम वाज रिटन बाय कमला दास, मिक्स क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इंडियन हमारी पोइट्री में आ जाएंगी, कमला दास समर इन कलकत्ता इनका इनमें से वर्क है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, लीव्स ऑफ ग्रास रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को आप देख लेंगे हमारे ब्रिटिश फिक्शन के तहत, ओके चार्ल्स लैम्ब पोएट्री भी लिखी है इन्होंने, एसेस्ट भी हैं ऐसे, मेन तो एसेस्ट में आ जाता है, तो एसेस्ट हैं फिक्शन में आ जाएंगे, ब्रिटिश फिक्शन में। अच्छा तो क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा कि इनमें से कौन सा इनका ऐसे नहीं है, तो ऑफ स्टडी नहीं, हमको ये तीन भी नहीं पता है, इट्स ओके, बट हमको ये पता है कि ये फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज़, बहुत ही फेमस है ये ऑफ स्टडीज़, हर स्टूडेंट को इसे पढ़ना ही चाहिए, बहुत छोटा सा है, आप लोग भी ज़रूर पढ़ें सर्च करके, तो ऑफ स्टडी फ्रांसिस बेकन का है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी द कॉन्विलेसेंस कन्वलेसेंस इन इम्परफेक्ट सिंपैथी इज अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये सब इनके हैं चार्ल्स लैम के, चार्ल्स लैम को प्रिंस कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसेज, ओके, क्योंकि फादर ऑफ एसेज फ्रांसिस बेकन हो जाते हैं हमारे, है ना, और प्रिंस ऑफ एसेस चार्ल्स लैम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द फेमस लाइन, इनमें से ये जो फेमस लाइन है ये किसने कंपोज की है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगेन ये रिपीटेड है, ये इसमें आप लोग को अगर फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है इट्स ओके, बट ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये लाइन किसकी है, शैले की है, शैले का जो वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, उस पोयम की ये लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। आप लोग वर्क को समझते चलें, उसके पोएट उसके जो राइटर हैं, और वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये शैले है तो इस सेंचुरी के, क्योंकि आपके सिलेबस में सेंचुरी वाइज और क्या टॉपिक वाइज है वो ठीक है, और साथ में जो लाइन्स ओपनिंग लाइन्स जो आ रहे हैं इनको भी देखते चलें। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़, इनमें से किसने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है, सो मुल्कराज आनंद इज द करेक्ट
करेक्ट आंसर टीएस इलियट, विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अमेरिकन है ये, टीएस इलियट तो मिक्स है, इन सब ने जीता है। जॉन कीट्स डेड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स के डेथ कब होती है, बिकॉज ये बायोग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, जॉन कीट्स की डेथ होती है आंसर 26, ठीक है। अब क्या है देखिए, इनका जो लाइफ स्पैन है 1795 से लेकर 1821 है, तो ये आपके अर्ली 19th सेंचुरी के राइटर माने जाएंगे, बहुत ही कम ईयर इनकी जीवन रहा इनका, ओनली 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एस इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम यू एस ए, कहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे ये इंग्लैंड, यू एस ए से। द लोटस ईटर वॉज कम्पोज बाय, लोटस ईटर वर्क किसका है, टेनिसन, अगेन आंसर इज बी, अल्फ्रेड टेनिसन, पोएम है ये, पोएम है, ब्रिटिश पोएट्री में कंसिडर होगी। शेक्सपीरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपीरियन आर ई ए एन भी आ जाएगा इस स्पेलिंग में, तो शेक्सपीरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय ए सी ब्रेडली। होता क्या है कि इनके बारे में भी शेक्सपियर पे तो कितना, शेक्सपियर ने खुद इतना लिखा, उसके बाद इनके लिए बहुत कुछ लिखा गया, तो वही ये भी एक फेमस वर्क है। शेक्सपीरियन ट्रेजेडी किसने लिखी, ए सी ब्रेडली ने लिखी है। शेक्सपियर आपके ड्रामा सेक्शन में है स्टूडेंट, जो आपका ड्रामा है ना टॉपिक उसमें। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ट, इनमें से किसको प्रिंस कहा जाता है, चार्ल्स लैम को कहा जाता है प्रिंस अमंग एसेस्ट। बेकन क्योंकि फादर कहे जाते हैं, एक और है मॉन्टेंग करके, तो वो ऑल ओवर कहे जाते हैं, बट इंग्लैंड के वे में इनको कंसिडर किया जाता है। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ओपन्स विद द लाइन, सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो वर्क है ये एक पोएम का नेम है, ठीक है, ये एक पोएम का नेम है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाय टी एस इलियट, टी एस इलियट की पोएम है। अब इसकी ओपनिंग लाइन पूछी है, पहली लाइन इस पोएम की कौन सी है, आंसर इज बी, लेट्स गो देन यू एंड आई, ये तो हाँ ऐसा कुछ डीप क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है लव सॉन्ग करके जो वर्क है ये टी एस इलियट का है। ओपनिंग लाइन भी देख लो भाई, एल से लव से शुरू हो रहा है, लेट्स गो पे जा रहा है, शुरू हो रहा है जा रहा है ऐसे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, इनमें से कौन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, देखिए इंडियन पोएट्री से क्वेश्चन आ रहा है आपका, इंडियन राइटर, इंडियन लिटरेचर से, आंसर इज निज़म एज़ेकिल, निसी मैजिकल है इसका करेक्ट आंसर। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है चार्ल्स डिकिन्स से, चार्ल्स डिकिन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रिफर टू, इनका जो वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो सिटीज़ की कहानी, टेल मीन्स कहानी है ना, तो अब चार्ल्स डिकिन्स का क्वेश्चन है, ये ब्रिटिश फिक्शन से आया है, कौन सी टू सिटीज़ हैं, वो टू सिटीज़ कौन सी हैं, पेरिस एंड लंदन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेरिस एंड लंदन की बात करते हैं, इन टू सिटीज़ में ये चार्ल्स डिकिन्स, ब्रिटिश फिक्शन में है ये आपके। तो आज जैसे कि मिक्स क्वेश्चन हमने देखे हैं स्टूडेंट, पर हमने ये भी देखा है कि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ फिट बैठ रहे हैं, फिक्शन में, पोएट्री में, ब्रिटिश पोएट्री 18th, 19th, 20th सेंचुरी है, ड्रामा है, ये सब ब्रिटिश प्रोज, ब्रिटिश फिक्शन सारे मिक्स। तो ये क्वेश्चन इसीलिए ऐसे मिक्स लिए गए हैं कि जब आप कहीं और से स्टडी कर रहे हैं तो वो सारे जो राइटर आ जाते हैं आपके सामने, शैले, कीट्स, टेनिसन, डिकेंस, तो आप पढ़ लो, ये सब है आपके सिलेबस में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मोटिवेशन की बात आई थी कि मोटिवेट करते हैं मैम आप लास्ट में ऐसा बोलकर, तो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कितना प्रेशर में स्टूडेंट रहते हैं, तो खुश तो रहना ही चाहिए हर हाल में, और हमेशा पॉजिटिव रहें तो सक्सेस आपके सामने रहेगी। और एक और मोटिवेशन की बात है कि हाँ आप लोगों को अगर डर लगता है कि जॉब हमारी लगेगी कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जिनका सिलेक्शन होता है वो भी धरती के ही लोग होते हैं, मंगल ग्रह के नहीं होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।